बॉलीवुड की एक्ट्रेस और मोदी भक्त पायल रोहतगी और टीम ने 12 अगस्त को यानी कल एक ट्वीट किया और कहा, महबूबा मुफ्ती की शादी एक पाकिस्तानी से हुई थी जिन्हें अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीरी नागरिकता मिल गई थी, जिसके बाद पायल रोहतगी ट्विटर पर ट्रोल हो गईं। पायल को जवाब देते हुए महबूबा मुफ्ती के पति लिखते हैं कि कृपया उचित शिक्षा प्राप्त करें पायल रोहतगी, पौष्टिक झूठ की शूटिंग से पहले थोड़ी सी शिष्टता रखें। तो वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि ये पूरी तरह से फेक न्यूज है, मैं उनके पूर्व पति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं इन पॉलिटिशियंस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आपको सच्चाई का पता लगाना चाहिए, आप गूगल पर तो खोज ही सकती हैं। एक और यूजर लिखती हैं, सर उसे छोड़ दो, वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा प्राप्त करती हैं। तो वहीं जावेद ने अमित शाह और पीएम मोदी को टैग करके एक ट्वीट किया और कहा कि पायल रोहतगी मूर्ख दोस्तों की तरह हैं। तो वहीं पायल रोहतगी ने इसके बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अभी तक माफी नहीं मांगी है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने अपने चाचा से शादी की थी जिनका नाम जावेद था, और अब महबूबा और जावेद का तलाक हो चुका है। महबूबा की दो बेटियां हैं, एक विदेश में है तो दूसरी सिनेमा में काम करती हैं। लेकिन इस तरह से फैल रही फेक न्यूजों से आप लोगों को बच के रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।